लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्या यही था बोलो बोलो ओके okay. हो जाइए सब लोग तैयार पहले एक क्वेश्चन हम बनाते हैं फिर आपसे बनवाएंगे ठीक है ना सब लोग तैयार हैं चलिए भाई साहब सब लोग तैयार हो गए भाई साहब कितने लोग हैं क्या हो रहा है ठीक है बैठ गए सब लोग चले शुरू किया साहब है बंधु ये क्वेश्चन हम समझाएंगे तभी आगे आप बनाइएगा ठीक है ना तो सब लोग तैयार हैं चले क्वेश्चन पढ़िए कहा कि ए बी सी तीनों मिलकर व्यापार शुरू करता है और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इन द रेशियो टू इज टू थ्री टू फोर दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में इन्वेस्ट करता है ठीक है ना कहा कि दो महीने बाद है अपने पूंजी को टू इज टू थ्री के अनुपात में बढ़ा देता कितने महीने बाद आफ्टर टू मंथ ए इनक्रीज इज इन्वेस्टमेंट इन रेशियो टू इज टू ए अपने इन्वेस्टमेंट को टू इज टू थ्री के रेशियो में बढ़ा देता है उसके दो महीने बाद नेक्स्ट आफ्टर टू मंथ उसके दो महीने बाद भी अपने पूंजी का एवं तीन भाग निकाल लेता है नेक्स्ट आफ्टर टू मंथ उसके दो महीने बाद सी अपने पूंजी को 25 परसेंट बढ़ा देता है सी इन्वेस्ट 20 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर ऑफ इज इन्वेस्टमेंट ठीक है ना अपने पूंजी का 25 परसेंट और निवेश कर देता यही ना है? आफ्टर वन ईयर वॉर रेशियो दर प्रॉफिट है ना एक साल बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा यही क्वेश्चन है पढ़ लिए क्वेश्चन अब हम एक बना के दिखाते हैं फिर आप बनाइएगा बहुत मजा आएगा यस और सर तैयार है सब लोग फाइनली सब जो अनथ आ चुके हैं देखिए ये रेशियो है एबीसी का इन्वेस्टमेंट का मान लीजिए ए दो रुपया निवेश किया बी तीन रुपया किया और सी चार रुपया किया ठीक मैंने ये कहा था पार्टनरशिप में साझेदारी में बेमानी नहीं जब तक जितना पैसा लगा रहेगा तब तक उसी के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा जैसी आप बढ़ा दोगे उसी समय से बढ़कर लाभ मिलेगा जैसी आप घटा दोगे उसी समय से घटा कर लाभ मिलेगा यही पार्टनरशिप का सही तरीका है एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एकदम समझ रहे हैं सब लोग तो आई देखते हैं बातें करते हैं ए लगाया दो रुपया कितना लगाया कितने समय के लिए दो महीने बाद उसने चेंज कर दिया तो ये जो दो रुपया लगाया था वो सिर्फ ओनली फॉर द टू मंथ्स दो महीने के लिए यस और नो में उत्तर दीजिए समझ में आया इसका दो रुपया टू मंथ्स के लिए दो महीने के लगाया गया यस नो ओके इसके बाद इसके परिवर्तन कर दिया क्या क्या इसने टू इी के रेशियो में बढ़ा दिया ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट रेशियो टू इंस टू थ्री ए अपने इन्वेस्टमेंट को टू इटू थ्री के रेशियो में बढ़ा दिया इसका मतलब होता है पहले और अब ये आप जानते हैं ना मैंने रेशियो में सारी बात पढ़ाया है ना कि टू इंस टू थ्री के रेशियो में बढ़ा दिया इसका मतलब होता है पहले का इन्वेस्टमेंट दो था तो अब का इन्वेस्टमेंट तो पहले का इन्वेस्टमेंट दो था जो रियल में दो ही दिया है नहीं तो दो बराबर दो तो तीन बराबर तीन तो तीन हो जाएगा तो मैं इसी फालतू में लिखा हूं समझाने के लिए है ना यदि यहां पर चार लिखा होता तो हम क्या बोलते हैं दो बराबर चार तो तीन बराबर कितना यही निकालते छह निकालते है, है ना यही ना होता है टू इंस टू थ्री के रेशियो में बढ़ा दिया इसका यही मतलब होता है टू इंसू थ्री के रेशियो बढ़ाने का मतलब पहले दो था तो अब तीन है ठीक है ना और दो बराबर हमें क्या दिया है पहले दो ही दिया है तो अब तीन बराबर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा यस yes no? हिसाब किताब एक साल बाद होता है तो ए ने दो रुपया दो दो महीने के लगाया तो कितने महीने बच गए तो ये पैसा अगले दस महीने तक लगा रहेगा हां या ना में जवाब दीजिए क्या बोलते हैं यस और नो समझ में आ रहा है ना इसका दो रुपया दो महीने तक लगेगा और अगले दस महीने तक तीन रुपया लगेगा एक का चैप्टर क्लोज आइए बी के बारे में बातें करें बी ने कितना लगाया था तीन रुपया बी ने कितना लगाया तीन रुपया दो महीने ऐसे बीते और उसके दो महीने तो चार महीने बीत गए ना कहीं कहीं उसके दो महीने लिखा रहेगा कहीं कहीं लिखा रहेगा चार महीना कंप्लीट होने पर तो बात बराबर होगा ध्यान रखिएगा लैंग्वेज में हेरा फेरी हो सकता है उसके दो महीने बाद तो हो ही गया चार महीने या ऐसा लिखा रहेगा चार महीने के लास्ट में द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर फोर्थ मंथ है ना चार महीने के अंत में तो बी ने ऐसा कर दिया वही तो बात है चार महीने का अंत हो गया तो मतलब चार महीने हो गए या उसके दो महीने बाद बोला तो भी चार महीने हो गए लैंग्वेज में घड़ाइएगा नहीं समझ में आ रहा ना चले आगे तो दो महीने ऐसे भी थे और उसके दो महीने बाद बी ने भी चेंज किया कुछ तो दो महीना पहले दो महीने बाद कितने हो गए तो इसका जो तीन रुपया लगा था वो कब तक लगा रहा ये तीन रुपया कब तक लगा रहा चार महीने समझ में आ रहा ना और उसने क्या किया चार महीने बाद वन थर्ड निकाल लिया लगाया कितना था तीन लगाया था उसका वन थर्ड निकाल लिया तीन लगाया था और तीन का वन थर्ड निकाल लिया वन थर्ड कितना होता है एक होता है मतलब एक निकाल लिया, हाँ या ना समझ में आया ना? तीन लगा रखा था और तीन का वन थर्ड निकाल तीन का वन थर्ड एक हो गया एक निकाल लिया था कितना बचा तो इसका बचा दो रुपया और चार महीने बीत गए तो कितने महीने बचे हैं बारह महीने में चार महीने बीत गए चार महीने बीत गए तो बचे कितने तो यहां फर्दर एट मंथ लिखेंगे यस yes नो no? चार महीने बीते तो अगला आठ महीना बचे यस और नो क्लियर है ना अच्छा दो महीना ऐसे दो मेहना चार महीना और दो महीना और बीत गया उसके बाद सी ने कुछ किया नहीं तो दो महीना दो महीना और दो महीना और, दो और तो क्या हो गया छह महीना सी लगाया कितना था चार रुपया कब तक लगा रहा और छह महीने बाद चेंज किया ना उसने तो छह महीने बाद चेंज किया ठीक है पहले चार रुपया सिक्स मंथ तक लगा रहा चार रुपया मंथ तक लगा रहा, अब उसने क्या किया बताइए पढ़िए ना चार रुपया लगाया था उसका पच्चीस परसेंट बढ़ा दिया पच्चीस परसेंट पच्चीस चौके सौ चार एक चार तक कितना बढ़ा दिया चार रुपये का पच्चीस परसेंट हां न चार रुपये का पच्चीस परसेंट कितना होता है एक रुपया होता है चार रुपये का पच्चीस परसेंट तो एक रुपया और बढ़ा दिया था कितना रुपया हो गया पांच रुपया छह महीने बीत गए अब कितने बच गए छह महीना और बीत गए बच गए है ना बारह महीने में छह महीना बीत गए ना जी तो कितने बच गए छह महीना बच गया यस और नो आर समझ में ना? हाँ बोलिए ना, कहा तीन की जगह क्या होना चाहिए था पांच कैसे पहले दो था तीन बढ़ गया कहा ना? तीन बोलो आगे तो तीन बढ़ गया नहीं इसका मतलब यह होता है समझे ध्यान से दो अनुपात तीन के अनुपात में बढ़ गया दो अनुपात तीन के अनुपात में बढ़ गया यदि सपोज तुम्हारा पहले दस था तो अब कितना हो जाएगा दो बराबर बोलेंगे दस तो तीन बराबर अब जो पहले दो था अब तीन है ये अब अब कब का है ये अब ये क्या होता है पहले हम शुद्ध भाषा में है ना तो दो बराबर दस तो तीन बराबर कितना पंद्रह ऐसे लिखेंगे अब यहां पर दिया कि दो अनुपात तीन में बढ़ गया तो पहले क्या था दो था तो दो बराबर दो है तो तीन बार तीन ही लिखेंगे पांच कैसे लिखेंगे जरा हमको भी बता दो नहीं समझे बुझे ठीक है इसमें कहा पच्चीस परसेंट बढ़ा दिया तो ये अलग मीनिंग है चार का पचीस परसेंट एक बढ़ा दिया तो इसका अलग मीनिंग हो गया ठीक है ना तो एक बढ़ा दिया तो चार से पांच हो गया बुझे ओके okay? दो दुनी चार दस ती तीस चार ती बारह आठ दुनी सिक्सटीन छह जगह चौबीस छ पच्चीस थर्टी हाँ हां ना चौतीस और ये ये हो गया थर्टी फोर आइए ट्वेंटी एट और ये फिफ्टी फोर कट सत्रह दुनी चौदह सताइस दूनी चौवन यही ना सत्रह अनुपात 14 अनुपात सत्ताईस सत्रह अनुपात चौदह अनुपात सत्ताईस यस नो मेरे बात सभी भाई बंधु मित्र समझ पा रहे हैं बहुत अच्छा एकदम सेम क्वेश्चन एक हम दोबारा देते हैं ठीक है ना बस आंसर अलग होगा उसका क्वेश्चन सेम रहेगा छाप लिए दोबारा छापिए पहले जब हम सिखा रहे थे तब छाप रहे थे वेरी गुड आइए भाई साहब देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं हाँ हम हा, हा, जानते हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है देखिए सब लोग तैयार हैं देखिए ये तभी दिमाग खुलेगा जब अगला क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा हम इसको दोबारा इसको हजार बार बताते रहेंगे ना लगेगा हमको नहीं आया लेकिन जब अपने से बनाइएगा ना तो सब समझ में आएगा विश्वास रखिएगा देखिए मैं फिर से यहां देता हूं ए दो महीने बाद परिवर्तन कर दिया पहले इसका दो रुपया लगा था तो दो महीने तक दो रुपया लग गया अब उसने दो अनुपात तीन बढ़ा दिया इसका मतलब पहले दो था तो दो बराबर दो तो तीन बराबर कितना हो गया तब इसका तीन रुपया दो महीने बीत गए तो दस महीने तक लगेगा बी जो है तीन रुपया लगाया था उसके दो महीने बाद बदल दिया तो चार महीने बदल चार महीने बाद बदला है ना तीन रुपया चार महीने बाद क्या किया इसने इसने वन थर्ड निकाल लिया तो तीन रुपये का वन थर्ड एक रुपया होता है एक रुपया निकाल लिया तो कितना बचा दो रुपया चार महीने बीत गए तो कितने महीने बचे आठ महीने उसके बाद क्या हुआ सी कितना लगाया था चार रुपया कब चेंज हुआ उसका उसके और दो महीने बाद मतलब तो छह महीने बाद छह महीने तक चार रुपया लगेगा उसके बाद चार में क्या क्या पच्चीस परसेंट की वृद्धि तो चार का पच्चीस परसेंट एक रुपया वृद्धि कर दिया तो पांच रुपया हो गया कब तक छह महीना बीत गया तो छह महीना और बच गया जोड़ दिया हो गया आंसर ठीक अब समझ में कितना आया नहीं आया नहीं तब मालूम चलेगा जब आप एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ठीक है ना आशा करते हैं आप बिल्कुल कोशिश करेंगे बिल्कुल मन से कोशिश करेंगे चलिए चालू हो जाइए डरिएगा नहीं नहीं तो बुला लेंगे बोर्ड पर हम मुझे मालूम है देवी और सजनों क्या है बच्चा लोग सब लोग प्रयास करिएगा जरूर हाथ पे हाथ रखने बैठने फायदा नहीं है सबका आया देवी और सजनू आया uh, yeah. सबका आज कितना है सत्रह तीस सताइस ऐसा देखते हैं सबका यही है भाई साहब यही है नहीं है कुछ लोग का भी अटका है मामला आइए देखते हैं देवी और सजनों भाई बंधु मित्रों आपका ध्यान किधर है बोर्ड पे रखो आइए तैयार हैं सब लोग एबीसी का निवेश का रेशियो क्या है पांच आठ और जरना मत एकदम ठंडा ठंडा कुल कुल दिमाग रखो और समझो एबीसी का इन्वेस्टमेंट कैसे पांच आठ और दस है कब का हुआ चार महीने बाद मतलब चार महीने बाद हुआ ना और जी चार महीने तक तो कितना लगा रहेगा उसका ये पांच रुपया कब तक लगा रहेगा मेरे भाई बंधु ये पांच रुपया चार महीने तक लगा रहेगा हा क्या बोलते हैं हा ना यस चार महीने बाद इस बंदे ने क्या किया अपने पूंजी 20 परसेंट बढ़ा देता है तो पांच रुपया का 20 परसेंट निकाली जरा 20 परसें तो एक बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया तो अब इसका छ हो गया और चार महीने बीत गए कितने महीने चार महीने बीत कितने बचे हैं आठ महीना बचा हां या न चार महीना बीत गया तो कितना महीना बच गया आठ महीना हां या न में उत्तर दीजिए चार महीना बीत गया था कितना महीना बच गया आठ महीना यस और नो समझ में आ रहा है ना चार महीना बीत गया था कितना महीना बच गया आठ महीना कोई दिक्कत एक का चैप्टर क्लोज आइए बी के बारे में देखते हैं उसके दो महीने बाद मतलब चार महीने बीत गए थे उसके और दो महीने बाद कितना हो गया छह महीने बाद क्या हुआ अच्छा लगाया कितना था बी आठ रुपया कब तक लगा रहा सिक्स मंथ तक कोई चेंजिंग नहीं ने किया छह महीने बाद इसने कुछ किया देखो क्या किया टू इंस टू थ्री के रेशियो बढ़ा दिया टू इंस टू 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 थ्री के रेशियो बढ़ा दिया इसका मतलब पहले कितना था उसका तो दो बराबर आठ तो तीन बराबर बारह नहीं समझ में आया फिर से देखो यहां पर दो अनुपात तीन जो नहीं पढ़े ध्यान रखिएगा दो अनुपात तीन के अनुपात ने बढ़ाना दो अनुपात तीन के अनुपात ने बढ़ाने का मतलब है पहले दो था तो अब दो अनुपात तीन के अनुपात में बढ़ाने का मतलब क्या होता है पहले दो था तो अब तीन हो गया तो पहले दो था तो दो बराबर यहां पहले कितना दिया हुआ है ऐसे लिखे दो बराबर आठ तो आज तीन हो गया तो तीन बराबर कितना हो जाएगा तो तीन बराबर निकालेंगे तीन बराबर तो चार ये कितना हो जाएगा बारह ऐसे यहां पर अब बारह लिख देंगे <coughs> मेरे बात समझ में आया भाई बंधु रेशियो पढ़े ना सब लोग नहीं पढ़े तो ध्यान रखिए सिखा रहा हूं सीखिए कोई जरूरी नहीं कि पीछे पढ़े तभी आएगा हम सिखा रहे हैं ना कि दो अनुपात तीन के अनुपात ने बढ़ गया मतलब पहले दो था और अब तीन तो दो बराबर यहां कितना दिया आठ तो दो का वैल्यू आठ है तो तीन का मतलब बारह ही ना होगा काट कर देख लो अपने हाथों से यार टुकुर टुकड़ मत देखो फालतू में बारह हो गया सिक्स मंथ बीत गए कितने बच गए महीने के लगाएगा बी का चैप्टर क्लोज आईएससी सी का चैप्टर में शुरू करते हैं बोलिए क्या बोला उसने उसके तीन महीने बाद छह महीना और तीन महीना कितने महीने हो गए नौ महीने बाद क्या हुआ इसका दस रुपया कब तक लगा रहेगा नाइन मंथ तक इसका दस रुपया कब तक लगा रहेगा उसके बाद क्या परिवर्तन किया उसने दो बटा पांच भाग निकाल लिया कितना निकाल लिया चलिए कितना था उसका जी ए भाई था कितना सी का दस का टू बाई फाइव कितना होता है दो बटा में पांच होता है चार चार निकाल लिया कितना निकाल लिया दस का दो पांच मतलब चार निकाल लिया था कितना बचा चार निकाल लिया था कितना बचा छतना बचा कितना बचा कितना बचा कब तक कब तक भाई साहब नौ महीने हो गए तो तीन महीने बच गए ना जी कितने बच गए तीन महीना समझ में आया बारह महीने में से नाइन मंथ कंप्लीट थ्री मंथ बच गया ना नौ तीन बारह ना सबको समझ में आ रहा है ना बोलिए ना हाँ आया तो करो पांच के बीस आठ छक आठ छक अड़तालीस बारह छक बहत्तर दस नम नब्बे जोड़ो कितना सिक्सटी और यहाँ सात पॉइंट बारह एक सौ बीस और यहाँ एक सौ आठ चार से काटो सत्रह चौके अड़सठ काटिए चौबीस पच्चीस सॉरी चार से काटो बीस हाँ, तीस चौके एक सौ बीस और सत्ताईस चौके एक सौ सत्रह तीस और सत्ताईस सबको समझ में आए किसी को दिक्कत बहुत अच्छी बात है दिक्कत भाई साहब नहीं चले आगे समझ में आए सबको एकदम क्लियर है एनी प्रॉब्लम चले आ गया भाई पटना रोहतक बिहार शरीफ हिसार सब लोग आ गया लर्निंग है कोई दिक्कत नहीं वेरी गुड बहुत अच्छा रोहतक से कोई हाथ उठा रहा है क्या पीछे वाले पूछना है तो उठाना है ऐसे हाई वाई के लिए नहीं पूछना है पूछना है तो ऐसे हाथ उठाए नहीं पूछना है आ गया तो ऐसे अंगूठा दिखा देना ठीक है आ गया है पीछे वाले को दिक्कत है नहीं कहा दिक्कत हुआ भाई साहब पहला वाला क्लियर है ओके दूसरा वाला क्लियर है अंगूठा दिखा रहा हाथ दिखा रहा है ये और तीसरा वाला चलो देखो समझो ये कुछ नहीं था मैं एक बार फिर से फास्ट में देता हूं एक बार देखना तेजी में ध्यान से फटाफट पड़। सब तैयार है बंधु कहा कि ए लगाया पांच रुपया कितना लगाया कितने महीने के लिए चार महीने का था पांच रुपया चार महीने का लिख दिया फिर क्या हुआ चार महीने बाद बीस परसेंट बढ़ा दिया तो पांच रुपये का बीस परसेंट कितना होता बीस पच्चीस सौ पांच एक बढ़ा दिया तो इसका पांच सब छ हो जाएगा चार महीने बीत गए तो आठ महीने बच गए बी ने कहा किया बी का आठ रुपया था आठ रुपया उसके कितने महीने बाद उसके दो महीने बाद चार दो छह महीना तो आठ रुपया लगाया छह महीने तक और बच गया छ महीना किया क्या दो अनुपात तीन बढ़ा दिया दो रेशियो तीन के रेशियो बढ़ा दिया इसका मतलब पहले दो था तो अब तो दो बराबर यहां कितना दिया आठ कितना गुना हो गया चार गुना तो ये भी हो जाएगा चार गुना करो बारह था अब इसका बारह रुपया छह महीने तक होगा अब उसके तीन महीने बाद छह के बाद तीन महीने बाद कितना नौ महीने हो गए तो दस रुपया कब तक लग रहेगा नौ मंथ तक और उसके बाद इसने क्या किया तो दस का टू फिफ्थ निकाल लिया टू फिफ्थ मतलब फोर निकाल लिया तो दस में से फोर निकल का बच गया छे बच गया कितने महीने नौ और तीन बारह तीन महीने के लिए फिर जोड़ दिया समझ में आया ओके बहुत अच्छा चले आगे एक हम और दे रहे हैं ऐसा क्योंकि हम जानते हैं कि अब क्लियर हो जाएगा इस बार जो आर या पार किया समझो कि वो पार हो गया हसन नहीं आराम से बनाओ साथ साथ बना के दिखाओ तब माने तुम्हारा कि पढ़ते हो आ गया भाई साहब कोशिश करिए मेरे भाई आपको हम पूरा दो मिनट का समय देते हैं टू मिनट्स धाए धाए आया <coughs> जल्द लाइए एक हुआ एकदम आराम आराम से लाइए पहले तो नीचे जो फ्रैक्शन दिया उसको हटाइए है ना उसके लिए क्या करेंगे वही एलसीएम से गुना कर देंगे करिए फटाफट उसके बाद सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन जैसा जल्दी लाइए धाएं धाए आया आ रहा है जल्दी लाइए धाए धाए आ रहा है ओके, okay. ठीक <laughs> है ठीक है सबका आगे आ गया, गया जी बच्चा लोग जली लाम बैठे बैठे एकदम सुस्ती हो जाता जली जल्दी फटाफट इतना <laughs> हाँ भाई साहब आया जल्दी लाइए धाएं धाए आ गया जी कितना आया एट्टी वन इंस टू फिफ्टी थ्री सिक्सटी सिक्स ऐसा रहा है वाह कमाल कर दिए सब लोग आ गया भाई साहब हाँ हाँ बहुत अच्छा आप भी ले आए अरे वाह पढ़ने लगा लगता है ठीक <laughs> है बना के दिखाऊं चलिए हाँ तो एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था वन बाई फोर कलर चेंज वन बाई फोर इज टू वन बाई नाइन इज टू वन बाई सिक्स वन बाई फोर इज टू वन बाई नाइन इज टू वन बाई सिक्स यस सर नो ओके न इसका एल्सियम थर्टी 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 काटो इसको नौ चौके नौ चौके छत्तीस हाँ या ना नाइन इंसू फोर इंस टू सिक्स कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा भाई बंधु नाइन इंस टू फोर इंस टू सिक्स ठीक है ना ए भाई साहब ठीक है नाइन इंस टू फोर इंस टू सिक्स चले आगे पहले हमें एक रेशियो निकाल लिए इंटीजर के फॉर्म में फ्रैक्शन था उसका ठीक है ना यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं दिक्कत हो रहा होगा बहुत अच्छा अब क्वेश्चन क्या कहा पढ़ो तीन महीने बाद मतलब नौ रुपया कब तक लगा रहा तीन महीने तक एक का नौ रुपया है ना कब तक लगा रहा थ्री मंथ तक तीन महीने ठीक है ना तो नौ रुपया लगा रहा तीन महीने उसके बाद क्या हुआ बंधु बोलो ना क्या क्या ये थ्री टू टू के अनुपात में कम कर दिया ओ माय गॉड क्या किया थ्री टू टू के अनुपात में कम कर दिया अच्छा इसका क्या मतलब है तीन अनुपात दो में कम करने का मतलब समझते हैं पहले तीन था और अब दो कर दिया हाँ या ना पहले तीन था और अब तो पहले क्या था तो कितना गुना था तब छे हो जाएगा लिख के दिखाओ क्या इसे तीन बराबर नौ तो दो बराबर कितना बोलो भैया छ आया कि नहीं आ रहा भाई साहब जी आ रहा है ना तो अब इसका इन्वेस्टमेंट छ हो गया कितने महीने एक साल था क्या तो तीन महीने बीत गए कितने महीने बीत गए तो कितने महीने बच गए नौ महीने बच गए तो ये नाइन मंथ तक होगा समझ में आ गया तो ए का चैप्टर क्लोज यस और नो किसी को दिक्कत आर एस मजु सबको चले आगे अच्छा उसके कितने महीने बाद चार महीने बाद तो तीन महीने तो पहले था और उसके चार महीने बाद कितने हो जाएंगे सात महीना तो बी का पैसा कितना था चार रुपया कब तक लगा रहेगा समझ में आए ना चार रुपया लगाया था वो कब तक लगा रहेगा उसने परिवर्तन सात महीने बाद किया समझ में आ रहा भाई बंधु का क्या बी ने भाई बताना जरा पच्चीस परसेंट बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया उसका था कितना इन्वेस्टमेंट चार तो चार का पच्चीस परसेंट क्या होता मेरे भाई चार का पच्चीस परसेंट क्या होता है वन होता है क्या होता है तो वन बढ़ा दिया चार से पांच हो गया चार से समझ में आया ए भाई पहले क्या था चार अब कितना हो गया पांच को दिक्कत पहले क्या था अब कितना हो गया यस और नो अच्छा इसका सात महीने बीत गया ना सात महीने बीत गए कितने बच गए हैं सात पांच बारह पांच महीने अब बी का भी चैप्टर क्लोज हो गया किसका बी का भी चैप्टर क्लोज हो गया चले आगे अब आइए सी के बारे में सीखते हैं उसके दो महीने बाद ओ oh गॉड कितने महीने हो गए नौ महीने बाद क्या हुआ भाई गुने नौ क्या क्या सीता बोलो ना वन थर्ड निकाल लिया तो छ रुपया लगा था कितना लगा था उसका वन थर्ड कितना होता है दो रुपया निकाल लिया तो छे में से दो निकाल लो और कब तक लगा रहेगा नौ महीने बीत गए नौ तीन बारह तीन महीने बच गए हाँ या समझ में आ रहा है ना, ना। कोई दिक्कत किसी को अरे दिक्कत हो तो अभी रोकना है किसी को दिक्कत नौ ओके okay, नौ तीए छ पांच पच नम चार तीन जोड़ो एट्टी एट्टी फिफ्टी सिक्सटी एट्टी वन इंस टू फिफ्टी थ्री 66 टू सिक्सटी सिक्स क्या आप सभी समझ गए बोलो बोलो आया कोई पूछना चाहते हैं कौन पूछना चाहता है मैं ये क्या कर रहा है <laughs> कौन बोला मैं देखो सामने आए पूछना भाई साहब कर हो ना? ना तो तुम टारगेट पे हो तुम भी है ना? चलिए एट्टी वन इंस टू थर्टी फिफ्टी थ्री टू सिक्सटी सिक्स किसी को दिक्कत चले भाई साहब सबको क्लियर है रोहतक बोले भाई साहब क्लियर है ना आपका Oh, बहुत अच्छा बहुत अच्छा इस बात का क्लियर हो गया ओ माय गॉड बच्चा वाला है एक प्रयास करिए ना प्लीज फटाफट तेजी में देवी और सजनों देवी और सजनो सबका आगे हैं? जो लाना है अपना अपना लाइए दिमाग नहीं लगाइए धाएं धाए बनाइए आरा भाई साहब दिख रहा है।, है क्या हुआ एनी प्रॉब्लम चेक कर ले मिलकर वे पार शुरुआत करता पांच आठ दस अनुपात में पैसा लगाता तीन A, है तीन महीने बाद ए अपने पूंजी का वन थर्ड निकाल देता है जबकि बी अपने पूंजी का थ्री फोर्थ और लगा देता है यही तो है पंद्रह महीने बाद कुल लाभ सात बस हो गया दोनों चेक कर लिया चलिए भाई साहब सही है कोई दिक्कत हुआ कहीं पर भाई साहब दिखाई दे रहा है आपको मतलब दोपहर के बाद ही दिक्कत हो जाता है हम तो शाम को दिक्कत खाली होता है दिखा एकदम ही गायब उम्र का असर है ना? उम्र का असर है भाई साहब का देखो उम्र देखो इसका बालू सब पक प्रॉब्लम तो होगा ही इसको मनासी करता है चलिए ए भाई कितना आंसर है ए भाई साहब कितना आंसर है कोई बात नहीं हाँ हम कहां करें कुछ चलिए सबका आ गया कोई पूछना चाहते हैं चलिए मैं बताऊं बताएं भाई जी यहां देखिए जरा भाई साहब देखा जाए कहा ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं वे क्रमशः पांच आठ और दस के अनुपात में पैसे लगाते हैं ठीक है पांच आठ और दस के अनुपात में पैसे लगाते हैं तीन महीने बाद ए अपनी पूंजी का वन थर्ड भाग निकाल लेता है क्या करता है तीन महीने बाद ए पूंजी का वन थर्ड निकाल लेता है जबकि बी अपनी पूंजी का तीन चौथाई और लगा देता है ठीक है ना सी के बारे में कुछ नहीं कहा जबरदस्ती सी वाला वैल्यू में कुछ मत कीजिएगा ठीक है ना कहा पंद्रह महीने बाद टोटल प्रॉफिट इतना रुपए का हुआ तो उसमें एक लाभ की राशि क्या होगा ठीक आइए देखते हैं एक कितना लगाया था पांच रुपया कब तक तीन महीने तक पांच रुपया तीन महीने तक पांच रुपया तीन महीने तक लगाया यस सन्नू तीन महीने बाद इसने क्या किया बोलो पांच का वन थर्ड निकाल लिया ये नहीं कटेगा ना तो बोलेंगे वन थर्ड निकाल लिया तो टू थर्ड बच गया हां या ना ये जवाब दो जब कहीं ना कटे ध्यान सुनो कान खोल के धर जब कभी ना कटे तो ऐसे करना कि वन थर्ड तीन में से एक भाग निकाल लिया कितना निकाल लिया तीन में से एक भाग निकाल लिया तो दो भाग तो बच गया ना तो ऐसे बोलेंगे पांच का दो तिहाई बच गया हां या ना भाई जो बच्चा है पैसा उसी पर आगे लाभ मिलेगा ना हाँ या ना जो निकाल लिया सो निकाल लिया पांच का वन थर्ड निकाल लिया वन थर्ड एक तिहाई टू थर्ड।, थर्ड बच गया ना इस सब समझ में आ रहा है ना टू थर्ड बच गया तो टू थर्ड अच्छा पंद्रह महीने हैं तीन महीने बीत गए तो कितने बच गए वाह बारह महीना क्योंकि बारह तीन पंद्रह होता है ठीक है ना तीन महीने बीत गए तो बारह महीने बच गए तीन महीने बीत गए तो द द बारह महीने बच गए हा समझ में आया अच्छा बी के बारे में क्या बोला सुनो लैंग्वेज को पढ़ो कहा ती, तीन महीने बाद ए ने ऐसा किया जबकि बी ने ऐसा किया तो सभी घटनाएं कब घटी वही तीन महीने में घट गई है ना यहां पर अगले तीन महीने नहीं बोला बोला ए, तीन महीने बाद ए ने ऐसे किया और बी ने ऐसे किया तो कब किया बी ने उसी समय जब ए ने किया समझ में आया तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना बता बी का बी कितना है आठ रुपया इसका आठ रुपया कब तक लगा रहा तीन महीने तक और आठ रुपया में अब क्या कर दिया उसने थ्री फोर्थ क्या कर दिया अच्छा आठ रुपये का थ्री फोर्थ होता कितना है पहली बताओ कितना चार दुनिया आठ छह रुपया और लगा दे बोला ना जितना लगाया था उसका थ्री फोर्थ और लगा दिया तो आठ का थ्री फोर्थ निकालेंगे तो चार दुनिया छ और लगा दिया तो आठ और फोर्टीन कितने महीने तक समझ में आया मेरे भाई बंधु समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत तकलीफ किसी को किसी को भी आठ का थ्री फोर्थ और लगा दिया तो आठ का तीन बटा में चार दुनी आठ तीन दुनी दीजिए तो चौदह रुपया हो जाएगा ठीक बारह महीने तक और सी के बारे में कुछ नहीं कहा बोला ये दस रुपया लगाया और लगाए रह गया ये तो पूरा पंद्रह महीने तक पैसा वैसा निकाला नहीं ठीक है ना तो सी का दस रुपया कब तक लगा रहा पंद्रह महीने तक सी का दस रुपया कब तक लगा रहा पंद्रह महीने तक समझ में आ गया सी का दस रुपया कब तक लगा रहा सी का दस रुपया कब तक लगा रहा पंद्रह महीने तक यस सो नो यो नो काटो तीन चौके पांच थी आई दस चौके आठ ती आई चौदह गुने बारह वन सिक्सटी और ये डेढ़ सौ यहा कितना पचपन और वन नाइंटी यहां एक सौ पचास किसका निकालना भाई एक का तो ऊपर क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे सबको जोड़ो थ्री नाइन्टी सेवन पैसा बताओ सेवन नाइन फोर जीरो दो बार में कट गया बीस बार में तो बचपन दुनी एक सौ दस ग्यारह सौ कितना आ गया समझ में आया ए भाई साहब समझ में आया तो ऐसे करके ए बराबर ग्यारह सौ है ए डबल लिखा है हाँ एक लाभ की राशि क्या होगा इतना तुम दिमाग क्यों लगाता है पंद्रह महीने बाद कुल लाभ इतना हुआ है तो एक का लाभ निकालो ठीक है ना वो ए जो है वो ऐसे लिख दिया है है ना जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाते हैं है ना आफ्टर फिफ्टी वन टोल प्रॉफिट अमाउंट जितना देर फाइंड प्रॉफिट अमाउंट है ना ऊपर ए में इंग्लिश में नहीं था ठीक है ना समझ गया सब लोग ना किसी को दिक्कत आ रहा या नहीं बताओ पहले सबको आया किसी को दिक्कत किसी को भी नो no प्रॉब्लम <coughs> ये तो बच्चा वाला है ना एक लास्ट बच्चा वाला क्वेश्चन फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा यहां लिखा है शुरुआत क्या लिखा है यहां पर शुरुआत चलिए बनाइए 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 देवी सजनो धाएं धाए यस धाएं yes, धाए हरिओम आया बोलो आया भाई साहब पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए डरिएगा नहीं क्वेश्चन पढ़ने में डरते थोड़ी है ठीक है ना आ गया क्या आया चलो भगवान आपको भला करे कुछ न कुछ आते रहना चाहिए हाँ बच्चा वाला क्वेश्चन है न? का हुआ का है भाई साहब आ गया सब कहा नहीं आए जी अरे लाइएगा तो अपने आप का चल क्या आ जाएगा हाथ पैर है उसमें लाइए <laughs> लाइए मैं बना कर दिखाऊं बोलो बन रहा है बच्चा लोग एबीसी मिलकर व्यापार शुरू करता है कैसा लगाया पैसा फाइव बाई टू और सेवन बाई थ्री और नाइन बाई फोर नौ बटा चार के अनुपात में पैसे लगाता यस yes no. और नो देवी और सजनो क्या आप तैयार हैं ठीक है ना तो एल्सियम कितना आ जाएगा हाँ तरगुना तो कर दो पहले बारह से पहले तो काम क्रिया कर ही दो छे दूनी बारह छह पच तीस, तीन चौके बारह सात चौक अट्ठाइस चारती बारह सत्ताईस, तीस अट्ठाईस सत्ताईस ये रेशियो हो गया ठीक सुनिए ना भाई साहब क्या बोला पांच महीने बाद ये अपने पूंजी का फिफ्टी परसेंट बढ़ा देता है क्या करता है पांच महीने बाद ये अपने पूंजी का फिफ्टी परसेंट बढ़ा देता है लेकिन देखो ध्यान सुनो ए भाई ध्यान कितना जी देखिए ए कितना लगाया था और कितने महीने बाद चेंज किया तो ये तीस रुपया कब तक लगा रहा उसके बाद क्या किया उसने फिफ्टी परसेंट बढ़ा दिया था फिफ्टी तीस का फिफ्टी कितना होता है तीस का फिफ्टी परसेंट कितना होगा पंद्रह डाइट समझ गया ना तो पंद्रह बढ़ा दिया तो तीस पंद्रह पैतालीस हो गया ए भाई बोलते का जी, समझ में आया जी कोई दिक्कत तकलीफ नो no. हो समझ रहे है ना सुनिए ए भाई साहब जी सुनिए ना एक क्या किया पांच महीने बाद तीस तीस, तीस रुपया लगाते रहा पांच महीने बाद फिफ्टी परसेंट बढ़ा दिया तो तीस रुपया का फिफ्टी परसेंट पंद्रह और बढ़ा दिया तो तीस और पंद्रह कितना हो गया पैंतालीस कितने महीने बाद लाभ हुआ है एक साल बाद तो पांच महीने बीत गए कितने बच गए सात महीने यस और नो और भी अपनी पूंजी को 25 परसेंट बढ़ा दिया अच्छा कब किया इसने वही महीने बाद कब उसने तो इसका था कितना 28 पांच महीने तक 28 लगा रहा हा 28 का 25 परसेंट मालूम सात होता है कितना होता है पच्चीस चौके सौ सात चौके अट्ठाईस सेवन होता है कितना होता है तो सेवन बढ़ा दिया तो कितना हो गया अरे अट्ठाईस में सात बढ़ा दो भैया कितना हो जाएगा भाई साहब कब तक लगा रहेगा सी का कुछ कहा क्या इसने जो लगाया पूरे एक साल तक लगाए रखा यही ना सताइस रुपया कब तक लगाए रखा बारह महीने तक सताइस रुपया कब तक समझ मारा ना बारह महीने तक गुना उना करो जरा कितना आ गया हम एक सौ पचास ये हा तीन सौ तीन सौ पंद्रह एक सौ चालीस दो सौ तीन सौ इसे जोड़ दीजिए चार सौ तीन सौ पचासी तीन सौ चौबीस अब किसका निकालना है ए और सी का डिफरेंस। तो ए और सी में कितने का अंतर है एक सौ वन फोर्टी और सबका सम, सौ और टोटल पैसा कितना है फाइव एट सेवन जीरो पांच से पूरे पूरे कट गया नहीं चौदह पचास सत्तर सात सौ पांच यही डिफरेंस है ए और सी का क्या बोलते हैं हा बोलिए ना हाँ या ना? समझ में आया तो ऐसे करके आ गया ए और सी का डिफरेंस कोई दिक्कत समझ में आया क्या हुआ, हुआ? कोई दिक्कत क्लियर है ना इजी था ना छाप लिए जल्दी छाप लिए छाप लिए जल्दी जल्दी फास्ट 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 बस कैलकुलेशन था थोड़ा सा, नहीं क्वेश्चन तो इजी था ना कुछ ना कुछ तो हार्ड करेगा ना यदि क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन ये बच्चा वाला क्वेश्चन अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब पढ़िए 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 डरिएगा मत पढ़िए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे बंधु आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं है सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे बाद में क्या देखिएगा पढ़े क्वेश्चन जी बंधु जी पढ़ लिए पढ़ लिए भाई साहब पढ़ लिए कौन पढ़िए मोबाइल में खुर खर कर रहा है। चलो क्या समझ में आया सब समझ में आ गया होगा है ना एबीसी तीनों मिलकर सैतालीस सौ रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया यही ना ना मुंह बंद करके बैठिएगा ए बी से पांच सौ रुपया अधिक लगाया ए बी से पांच सौ रुपया अधिक लगाया और बी सी से तीन सौ रुपया अधिक लगाया ठीक है ना टोटल लाभ एक हजार चार सौ दस रुपए का हो तो ए का हिस्सा क्या होगा ठीक है ना ए का शेयर बताइए समझ में आ रहा सबको आइए मैं सिखाता हूं पहले हम पूरा डिटेल लिख के दिखाऊंगा ठीक है ना डिटेल के बाद शॉर्टकट करेंगे ठीक है आइए सुनिए ध्यान से प्लीज ए बी और सी ए बी सी तीनों मिलकर सैतालीस सौ रुपया लगाया कितना लगाया तीनों मिलकर फोर सेवन सुन्ना सुन्ना सैतालीस सौ रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ किया बोलिए हाँ ना? समझ में आया ओके अब बोलिए आगे बोलिए क्या बोला ए बोलिए बी से पांच सौ रुपया अधिक लगाया और पढ़िए बी सी से तीन सौ रुपया अधिक लगाया हा ए बी से पांच सौ रुपया अधिक लगाया बी सी से तीन सौ रुपया अधिक लगाया हा बोलो 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 भैया ठीक है कोई दिक्कत यहां तक जो क्वेश्चन कहा समझ में आया तीनों मिलकर सैतालीस सौ लगाया ए बी से पांच मोर बी सी से थ्री हंड्रेड मोर यस और नो अच्छा पूरा हम पहला बार में पूरा स्टेप लिख के दिखाऊंगा ठीक है फिर बाद में थोड़ा स्टेप छोड़ूंगा ठीक है ना आइए मान लीजिए कि सी लगाया एक्स रुपया तो बी कितना लगाया x प्लस तीन सौ तीन सौ ज्यादा अच्छा बी लगाया x प्लस तीन सौ तो बी के बदले में बी के बदले में क्या लिख देंगे x प्लस तीन सौ और यहां प्लस क्या है पांच सौ तो इसका अंदर a बराबर कितना जाएगा x प्लस आठ सौ हां न बोलिए ना यहां पर B का वैल्यू क्या है x प्लस तीन सौ बी का वैल्यू क्या है x प्लस तीन सौ पांच सौ और जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा आठ सौ नो अब सुनिए ए भाई जी आपका ध्यान किधर है जी तो बोर्ड पे रखो ना A का वैल्यू क्या बताओ x प्लस आठ सौ बी का वैल्यू क्या देखो x प्लस तीन सौ और सी कितना माने थे एक्स सब मिला के सैतालीस सौ का बोलते हैं सही गलत समझ में आ रहा है ना सी का मान लिया एक सौ रुपया बी जो है उससे तीन सौ ज्यादा है तो एक्स प्लस तीन सौ हाँ या ना बोलते का है, नहीं है और ए इससे भी पांच सौ अधिक तो तीन सौ में पांच सौ और अधिक करो कितना आ जाएगा आठ सौ तो एक्स प्लस आठ सौ यस और नौ बूझे अभी भी नहीं और वहां से वैल्यू के पुट कर दो चुज सी को एक्स मान लिया बी का वैल्यू एक्स प्लस तीन सौ ए का वैल्यू एक्स प्लस आठ सौ हा ठीक नहीं है अच्छा ठीक है तीन कोई ग्यारह सो जाकर हाँ माइनस कर दीजिए भैया जी कितना आ गया छत्तीस क्या अब एक दो तीन से भाग दे दो बारह तो इसका मतलब इसका इन्वेस्ट सी का... चलो निकालता हूं यहां पर बताओ सी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया बारह सौ सी का कितना आ गया अच्छा बी उसे कितना अधिक लगाया तो बारह तीन पंद्रह सो बोलो हाँ ये ना? और ए इससे भी 800, 800 था ना कितना था 500, 500. ए इससे भी 500 अधिक लगाया तो कितना हो जाएगा 2000. बोलो हाँ ना? सी का आया बारह तो इससे 300 अधिक लगाया था पंद्रह इससे 500 लगाया तो 2000. तो हजार हाँ या ना? सुनना सुनना. क्या रेशियो आया 20, 15 और किसका हिस्सा निकालना है तो एक का कैसे निकालोगे ऊपर बीस नीचे फोर्टी टोटल लाभ वन फोर वन जीरो कितना से कट गया तीन से 600 सौ आ गया क्या छे सो अब हम यहां पर चाहेंगे जल्दी कैसे बनाओगे सिखाना सिखाएं बोलो बोलो सिखाओ जी बताते हैं जी पहले छाप लो जी यस yes. जब समय बराबर हो टाइम इक्वल हो टाइम के बारे में कुछ ना कहे तो जो रेशियो में पैसा लगाएगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है ना तो एक साथ व्यापार शुरू किया मिलकर देखो है ना ऊपर पढ़ो क्या लिखा है ए बी सी ऑल टूगेदर इन्वेस्ट जितना स्टार्टअप बिजनेस पार्टनरशिप ठीक है ना तो समय जब सेम होता है तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो प्रॉफिट का होता है समझ में आया इसे जो इन्वेस्टमेंट करी इसी था वही प्रॉफिट मान लिया ठीक है ओके भाई साहब आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो जी आओ बताते हैं ये यह तक किसी दिक्कत नहीं ना हुआ लेकिन हम चाहते हैं कुछ ताम झाम मत करो धाई सा मारो देना चाहते हो देना चाहते हैं आइए लेकिन पहले फीलिंग करना पड़ेगा करो फिलिंग कहा कि ए बी सी सिंह ध्यान से तीनों मिलकर सैतालीस सौ रुपया लगाया कितना लगाया सैतालीस सौ रुपया तीनों मिलकर लगाया ए बी सी तीनों मिलकर सैतालीस सौ फिलिंग करना भाई साहब तीनों मिलकर कितना लगाया रोहतक वाले भाई लोग सुन रहे हैं ना सब लोग कितना लगाया सैतालीस सौ कोई कोई दिक्कत नहीं ना ए बी से पांच सौ अधिक लगाया और बी सी से तीन सौ अधिक लगाया ए भाई तो गलत बात है कोई अधिक लगा रहा है कोई कम लगा रहा है गलत बात है ना बी ने सी से कितना अधिक लगाया बोलो तीन सौ और ए इससे भी पांच सौ और अधिक लगाया था तो सी से कितना अधिक लगाया आठ सौ बी सी से तीन सौ रुपया अधिक लगाया बी जो है सी से कितना अधिक लगाया तीन सौ और ए बी से भी पांच सौ अधिक लगाया तो सी से कितना अधिक लगाया आठ सौ तीन सौ ओ लगाया पांच सौ और आगे चला गया तो आठ सौ का अंतर हो गया ना बोलिए ना सी से बी तीन सौ आगे है और बी से भी पांच सौ आगे ए है तो सी और ए में तो आठ सौ का अंतर आ गया ना यहां से यहां आठ सौ का अंतर हो गया ये जो अधिक कम का जो अंतर है अंतर हटाओ अंतर कितने का आ रहा है ग्यारह सौ का कितने का तीन सौ बी अधिक लगाया सी से और ए लगाया आठ सौ अधिक हां ना? तो आठ तीन ग्यारह सौ का अंतर ग्यारह सौ माइनस कर दो कितना बचा बोलो छत्तीस सौ अब इसमें जो आएगा छत्तीस सौ इसमें तीनों बराबर है, है कि नहीं जितना जितना एक्स्ट्रा था ना एक के पास इतना आठ सौ एक्स्ट्रा था बी के पास तीन सौ एक्स्ट्रा था आप फीलिंग कर रहे हैं एक के पास कितना एक्स्ट्रा था आठ सौ पांच तीन आठ सौ और बी के पास तीन सौ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकाल दो उसमें से सैतालीस सौ में सी गारह माइनस कर दो छत्तीस सौ अब जो बचा है तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा अरे वो पहले अलग अलग था ना अब तो बराबर जो अंतर था जो एक्स्ट्रा था इस समानता के अधिकार के कारण से जो एक्स्ट्रा उसको मानस कर दिया तो छत्तीस सौ बच्चा छत्तीस सौ में तीनों बराबर छत्तीस सौ में तो छत्तीस तीन भाग में बांटो बारह 1200 बारह सो बारह सौ तो सी का हिस्सा कितना आ गया बारह अब रियल देखा जाए तो बी से तीन सौ अधिक था पंद्रह सी ए इससे पांच सौ अधिक था बस ये रेशियो हो गया बीस पंद्रह बारह का रेशियो हो गया पैसा बांट दो जो एक्स्ट्रा है हटा दो जो एक्स्ट्रा है जो ज्यादा है उसको हटा दो जो बचेगा उस सबका बराबर बराबर होगा हां ना तो बी सी से तीन सौ अधिक था और उससे भी पांच सौ अधिक था ए तो पांच तीन आठ सौ अधिक हो गया तो आठ सौ तीन सौ ग्यारह सौ अधिक है अधिक कम का भेदभाव है हटाओ उसमें से सैतालीस सौ में से ग्यारह सौ गया छत्तीस सौ तो अभी छत्तीस सौ में कोई अलग अलग नहीं है सब बराबर है छत्तीस सौ तीन भाग बाब का लेकिन सी का बारह सौ लेकिन रियल में तो बी उससे तीन सौ तो पंद्रह सौ और उससे ए पांच सौ और ज्यादा है तो दो हजार समझ में आया एक्टिव रहेंगे तो ये एक नहीं मानना पड़ेगा नहीं तो मानो कोई दिक्कत नहीं है समझ में आया चले जल्दी बनाइए प्लीज फास्ट फास्ट हरियाजनों ध्यान ध्यान बनाइए अपना अपना बनाइए जो लाना है सो लाइए देवी और सजनों कौन सा बीस हाथ बदमा आ रहा बच्चा नहीं आया कोशिश करता ना आएगा क्या कर रहा था चलो बनाओ भाई बनाओ आप क्या बना रहे हो भाई साहब जल्दी जल्दी बनाइए ना <laughs> फास्ट हम बोर्ड पे इतना बड़ा लिखा है फिर भी वोले हंग चल जा रहा है चलो देखो आ गया जी आ रहा है ना कितना आया पांच सौ बीस तीस ठीक है बोलो बोलो आया दिमाग लगाया चले भाई साहब आया कि नहीं बताइए ना अरे कुछ बोलते काहे नहीं है जी आया बोलो बोलो बात चालो ए बात चालो सबका आया सब कहा गया आय जी एक्स मान के बनाओ या धाई उड़ा दू बताओ पहले धाइसा आओ देखते हैं तीनों मिलकर कितना लगाया सिक्सटी नाइन थाउजेंड सुनो 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 देसा सजनो सुनो तीनों मिलकर कितना लगाया अरे वाह, सिक्सटी नाइन थाउजेंड है ना ओके ए बी से कितना अधिक लगाया ए बी से नौ हजार सी से कितना लगाया तो सी से बारह हजार लगाया और बी से भी नौ हजार और अधिक तो नौ और दो ग्यारह कितना हो गया इक्कीस हजार कितना नहीं समझे सी से बारह हजार लगाया और इससे भी नौ हजार अधिक लगाया तो बारह नौ इक्कीस हजार ज्यादा लगाया ना तो इसका मतलब बी सी से बारह हजार अधिक है और ए उससे इक्कीस हजार अधिक हुआ हां तो ए कितना अधिक है भैया तेतीस ये अधिक और कम का जन लफड़ा हमको अच्छा ना समानता का अधिकार कितना आएगा छत्तीस हजार को तीनों को बारा 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 का बराबर बांटो, बारह बारह सबका हिस्सा बारह बारह अब रियल में आ सच्चाई में बारह हजार किसका हुआ और सी से बारह हजार अधिक कौन है तो चौबीस हजार आ जाएगा और इससे नौ हजार और अधिक करो तेतीस हजार आ जाएगा क्या बोलते हैं समझ मारा ना अरे बी जो है ना सी से बारह हजार अधिक है उसका सी काया है बारह हजार तो रियल में बी तो उससे बारह हजार अधिक है चौबीस हो जाएगा है ना और बीस से भी अधिक है ए नौ हजार तो बार चौबीस और नौ तैतीस हजार हां या ना बताइए ना बोलिए ना हाँ या ना सुनना सुन्ना काट दू बोलो तीन से काटो ग्यारह ती आठ ती है चार ती बोलो किसका निकालना है एक ऊपर ग्यारह नीचे ट्वेंटी पैसा बताओ देखो तो 29 का स्क्वायर है क्या 23 का 23 का स्क्वायर है क्या कितना आ गया टू फाइव थ्री जीरो पच्चीस सौ तीस रुपया यस और नो किसी को तकलीफ हुआ तो मुझे बताएगा हाथ उठाएगा मुंह नहीं खोलेगा देखो <laughs> रुक जाओ समझ में आया मजा आया बनाकर बहुत मजा आया होगा है ना? एनी प्रॉब्लम आया तकलीफ आया ओ माय गॉड बहुत इजी है क्या दिक्कत है चुप रहो कितना आसान क्वेश्चन है मैं बताता हूं देखो अगला फिर आप ही बताइएगा रुक तो जाइए रुकिए 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 डेविड रुक सजनू कहा कि ए साठ हजार रुपया कितना लगाया सिक्सटी थाउजेंड कितने महीने के लिए आठ महीने के लिए ध्यान से सुनिएगा कान खोल के देखिए ए लगाया साठ हजार कब तक के लिए लिख दिया आठ महीने ठीक कहा बी लगाया पचास हजार कितना लगाया बी इन्वेस्ट फेट थाउजेंड कुछ महीनों के लिए इन टू टी बी इन्वेस्ट फे थाउजेंड फॉर सम मंथ्स कुछ महीनों के इन टू टी यस और नो ए भाई साहब समझ में आ रहा है ना बी लगाया पचास हजार कुछ महीनों के लिए था नहीं मालूम कितना महीना टी महीना दिया टी एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम उसके बाद जो लाभ प्राप्त हुआ उसमें से बी को मिला फाइव बाई नाइन कितना मिला मतलब फाइव बाई नाइन का मतलब नौ में से फाइव मिला कितना मिला बी को बी गोट फाइव बाई नाइन फॉर टोटल प्रॉफिट B को कुल लाभ का फाइव बाई नाइन मिला इसका मतलब नौ में से फाइव मिला कितना तो इसको मिला B को मिला फाइव तो A को मिला क्योंकि टोटल लाभ नाइन है क्या है टोटल लाभ नौ है तो नौ में से B को फाइव मिला तो फोर बचा किसके लिए यस और नौ अमाउंट इन यू टाइम अमाउंट इन यू टाइम किसका रेशियो होता है प्रॉफिट का किसका बच्चा लोग प्रॉफिट का हाँ profit का रेशियो लिख दिया यस और नो बोलो आया चार सुनना ऐसे काट दो पांच से पांच काट दो चार दुनी आठ काट दो छुनी तो बी ने लगाया बारह महीने के लिए आंसर हो गया समझ में आया क्या बोलते हैं समझ में आया अमाउंट इन टू टाइम आर समझ में ना साठ हजार आठ महीने के लिए पचास हजार कुछ महीनों के लिए बी को मिला फाइव बाई नाइन मतलब नौ में से फाइव तो फोर बाई नाइन किस को मिलेगा एक को तो नाइन तो कट जाएगा ना तो एक का फोर हो गया बी का फाइव है ना रेशियो निकाल दिया यस और नो एक बना के दिखाइए ऐसा भाई साहब अजी सेम दे दिया सेम टू सेम उड़ाइए धाएं धाए, 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 धाए. उड़ाइए धाए धाए उड़ाइए भाई साहब क्या प्रयोग आया देवी और सजनों भाई बंधु मित्रों सबका आ गया सबका आ गया बारह ही आ गया क्या ए लगाया अस्सी हजार कितने महीने के लिए छ महीने के लिए बी लगाया पच्चीस हजार कितने महीने के लिए पच्चीस हजार कुछ महीनों के लिए इंटू टी लिख दिया यसर yes नो no? अब बी को तेरह में से कितना लाभ मिला बोलो ए भाई देखो ना तेरह में से कितना मिला बी को पांच तो ए को आठ पांच तेरह है कि नहीं तेरह में से पांच तो आठ ही बच गया ना एक बोल हाँ या ना काटने का प्रबंध किया जाए तीन सुन्ना से तीन सुन्ना पांच पच्चीस आठ दहा अस्सी पांच दुनी दस दुनी ट्वेल्व मंथ यस और नो क्या आपको तकलीफ है क्या आप बना सकते हैं तो बारह महीने के लिए इन्वेस्ट किया यस yes और नो no, चले आगे कल आपका टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा जो आके देना चाहे आके दे सकते हैं ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन दे सकते हैं ठीक है ना ओके मिलते हैं हम लोग सोमवार को बाय